सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके साथ ये टीनेजर मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही इजी होने वाला है। आप इसे बिल्कुल आसानी से है ना क्रिएट कर सकते हो, और मैंने बहुत ही कम प्रोडक्ट में इसे है ना क्रिएट किया है। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैंने हाई पोनी टेल किया है, क्योंकि अगर आप टीनेजर हो तो हाई पोनी अच्छी लगती है, तो फिर इसीलिए मैंने किया है। सो यहाँ पे मैं अपने पूरे फेस को अच्छे से क्लीन करूँगी एक वेट वाइप्स की हेल्प से, जैसे कि आप देख सकते हो, क्योंकि मेकअप से पहले आपका फेस को क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, ताकि आपका मेकअप अच्छा हो। फिर यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइज़र, जो कि बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है। आप इसका ये पॉन्ड्स का है ना लाइट मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हो, बट ये थोड़ा सुपर लाइट मॉइस्चराइज़र है, जो कि मेरा ऑयली स्किन है, तो ये मेरे लिए बेस्ट है। आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से आप मॉइस्चराइज़र यूज करो जो आपको सूट करता हो। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने अपने पूरे फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लिया है, आप देख सकते हो। एंड अब बारी है प्राइमर की। तो गाइज, प्राइमर बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्राइमर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप टीनेजर हो तो भी, अगर बिगनर हो तो भी प्राइमर यूज़ करना ही करना है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का ये सिलिकन बेस प्राइमर, जो कि आपके जो ओपन पोर्स होते हैं उसे ये लॉक करता है, ताकि आपके जो फाउंडेशन है वो आपके पोर्स के अंदर ना जाए। इसीलिए प्राइमर बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो प्राइमर को बिल्कुल भी स्किप ना करें। सो प्राइमर डन। तो गाइज, यहाँ पे मैं पूरा मेकअप करने वाली हूँ ये लैक्मी 925 की है ना सीसी क्रीम है। सो काफ़ी अच्छी सीसी क्रीम है, आप देख सकते हो। मैंने इतनी क्वांटिटी में लिया है और अपने पूरे फेस पे डॉट डॉट करके लगा लूँगी, देख सकते हो आप गाइज। अगर आप बिगनर हो या फिर आप टीनेजर हो, तो आपके लिए ये क्रीम बिल्कुल अच्छा है। आप इसके साथ अच्छे से कोई भी मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। सो गाइज, इसे मैं अपने जो है ना डैम ब्यूटी ब्लेंडर से इसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ। सो गाइज, मेरे फेस पे थोड़े से एक्ने स्कार्स हैं, तो उसे प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। सो यहाँ पे मैं फिर यूज़ कर रही हूँ ये कंसीलर, ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर है, जिसे मैं थोड़ी सी लगाऊंगी, ज़्यादा मुझे नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे मैं है ना बिगनर फ्रेंडली है ना कर रही हूँ मेकअप, जो कि टीनेजर भी यूज़ कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे अफोर्डेबल प्रोडक्ट रखे हैं, आप देख सकते हो। तो कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। फिर देन यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेबलिन का कॉम्पैक्ट, जो कि बहुत अच्छा है। ये आपको 150 के अंदर मिल जाएगा। अगर आप फ्लिपकार्ट से लेते हो तो वहाँ पे तो हमेशा कुछ ना कुछ डिस्काउंट रहता ही है, सो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। सो फिर यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का है ना ब्लश पैलेट, प्लस हाइलाइटर भी आपको इसमें मिल जाता है। तो मैं आज इसी पैलेट से पूरा मेकअप करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने चिक्स पे ब्लश यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। आप जब भी स्माइल करते हो तो जहाँ पे आपके है ना मतलब स्माइल करते हो, तो एग्जैक्ट पता होता है कि कहाँ पे हमें लगाना है चिक्स पे। सो आप जब भी ब्लश यूज करो तो स्माइल करते हुए करो, तो एग्जैक्ट आपको पता हो कि आपको कहाँ पे यूज़ करना है। सो यहाँ पे मैंने ब्लश लगा लिया है, आप देख सकते हो। और फिर यहाँ पे मैं ये वाला शेड है लाइट पिंक कलर का, तो इसे मैं अपने पूरे आईलिड पे अप्लाई करूँगी, और क्रीज पे भी मैं इसी को अप्लाई करूँगी, आप देख सकते हो। मैंने दोनों आँखों पे इसी कलर को है ना यूज़ किया है। और मैंने फिर उसी कलर को लेके अच्छे से लोअर लैश लाइन पे स्मच किया है, आप देख सकते हो। ज़्यादा नहीं, ये थोड़ा सा पिंकी पिंकी ग्लोई मेकअप आपको मिल जाएगा, सो आप देख सकते हो। फिर
फिर मैं ये वाला शेड लेकर अपने है ना हाईएस्ट पॉइंट पे हाईलाइट करूँगी, क्योंकि ये एज अ हाईलाइटर बहुत अच्छे से वर्क करता है। अगर आप टीनेजर हो, अगर आपको कोई सटल सा हाईलाइटर चाहिए वो पिंकिश पिंकिश ग्लो में, तो ये हाईलाइटर आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि इसमें एकदम सटल सा मतलब पिगमेंटेशन है, जो ना ज़्यादा ओवर होता है ना ज़्यादा है ना मतलब लो होता है। इसमें बहुत अच्छी सी पिगमेंटेशन आपको मिल जाएगी। सो आप इसे इस पैलेट को मल्टीटास्किंग में यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छी पैलेट है स्विस ब्यूटी की, काफ़ी अफोर्डेबल भी है। सो गाइज आप देख लो, यहाँ पे मैंने सारे है ना प्रोडक्ट अफोर्डेबल ही यूज़ किए और बहुत कम प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, जैसे कि आप आगे वीडियो में देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे आईब्रो फिल करूँगी, तो आईब्रो के लिए मैं ये है ना मेबलिन का ये मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। ये वाटरप्रूफ मस्कारा है, इससे मैं अपने है ना आईलैशेस को भी है ना कोट करूँगी, आप देख सकते हो। और गाइज इसी से मैं अपने आईब्रोज़ को भी फिल करूँगी, जैसे कि ये वाटरप्रूफ मस्कारा है, तो अगर आप इससे आईब्रोज़ को फिल करते हो तो काफ़ी टाइम तक ये स्टे करता है, बिल्कुल भी फेड आउट नहीं होता है। और जब भी आप आईब्रो फिल करो इससे, तो हल्के हल्के हाथों से करो, ताकि है ना आपका ओवर ना हो। यहाँ पर आप मैंने है ना आईलैशेस को है ना कोट कर लिया है, आप देख सकते हो। एंड यहाँ पर मैंने अपने आईब्रोज़ को है ना कर रही हूँ है ना फिल, आप देख सकते हो। और जो भी थोड़ा बहुत है ना ऊपर नीचे हो जाता है, उसे आप फिंगर की हेल्प से है ना क्लीन कर लीजिए, आराम से क्लीन हो जाता है। एंड यहाँ पे मैंने दोनों आईब्रोज़ को फिल कर लिया, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे मैं ये यूज़ कर रही हूँ काजल, जो कि अगर आप बिगनर हो तो भी, अगर टीनेजर हो तो काजल तो मस्ट है, आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं अपने लोअर लैश लाइन पे और अपर है ना लैश लाइन पे भी अप्लाई करूँगी, और एज अ आई लाइनर भी मैं इसे अप्लाई करूँगी, आप जैसे कि देख सकते हो वीडियोज़ में। सो यहाँ पे मैंने एक आँखों में लगा लिया, दूसरे दोनों आँखों में मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने पतला सा है ना आईलाइनर अप्लाई किया है काजल की हेल्प से ही, आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये लिपस्टिक, ये मैट मी की लिपस्टिक है, इसमें मेरा शेड है 09। सो इसे मैं अपने पूरे है ना लिप्स पे अच्छे से अप्लाई करूँगी गाइस। हाँ, लिप्स पे मॉइस्चराइज़ करना बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। सो मैंने यहाँ पे लिप्स को मॉइस्चराइज़ कर लिया था, बट मैंने वो क्लिप ऐड नहीं किया। तो गाइस जब भी आप है ना कोई भी लिक्विड लिपस्टिक लगाएं तो मॉइस्चराइज़ करें लिप्स को तब। तो गाइज़ ये रहा मेरा फाइनल लुक, यहाँ पे मैंने छोटे से हुप्स पेयर किए हैं। सो कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। टिल देन।